बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं बोट के नए हेडफोन्स के बारे में। हालांकि नए तो नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 8 महीने तो हो ही गए होंगे इन वाले मॉडल्स को लॉन्च हुए। ये थोड़ा सा नया वाला डिज़ाइन है, लेकिन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा ये हेडफोन था और अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता जो है वो मिल रहा है। लगभग इसकी प्राइस जो थी ओरिजिनली वो 4000 रुपये की थी, जो कि होती है लेकिन कभी भी उस वाली प्राइस में नहीं बिकता है, और अभी जो है रिसेंटली 1300 तक जो है वो गिर गया था। अभी मैं चेक कर रहा हूँ अमेजोन पर, तो इसकी प्राइस जो है वो 1500 की है। तो 1500 के अंदर बोट रॉकर्स 450 जो है वो कैसे हेडफोन्स हैं, इस वाली वीडियो के अंदर अपन जो है वो देखेंगे। तो जैसे कि बोट की जो अनबॉक्सिंग होती है, बिल्कुल टिपिकल आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। आपको सामने की तरफ एक अजीब सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा देखने को मिलता है, इसके ऊपर बोट रॉकर्स 450 जो है वो लिखा हुआ है, मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता हूँ इसके अंदर। और साथ ही साथ आपको जो है वो हेडफोन्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं हेडफोन्स बिल्कुल कैजुअली। और साथ ही साथ आपको कुछ पेपर वर्क जो है वो मिलता है, जिसके अंदर आपकी यूज़र मैनुअल्स हैं, आपका बोट का वारंटी कार्ड है और साथ ही साथ एक ऑक्स केबल है और एक आपकी चार्जिंग केबल है। मैं बात करूँ ऑक्स केबल की वायर क्वालिटी की, तो ऑक्स केबल की वायर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप इन लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर रखी है। मतलब अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ ब्लूटूथ हेडफोन्स जो है वो रिव्यू करे थे और उनके जो ऑक्स की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली वायर थी, बट ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक सी वायर है वाकई में, बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अब ये ऑक्स केबल जो है वो रेगुलर पर्पज़ पर यूज़ करो, क्योंकि इवेंचुअली ये किसी ना किसी दिन खराब होगी और आपको जो है वो स्टैंडर्ड छोड़ देगी। हालांकि इसके अंदर ये फीचर है कि इसके अंदर ये ब्लूटूथ हेडफोन है, तो ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो वायरलेस तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि जब भी बैटरी खत्म हो जाए तो आप एक ऑक्स केबल जो है वो कनेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि इसके अंदर आपको जो है वो माइक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। मुझे वाकई में लग रहा था कि इसके अंदर जो है वो टाइप सी आनी चाहिए थी, बोट के काफ़ी ज़्यादा कम हेडफोन्स के अंदर जो है वो टाइप सी आती, मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं आती। तो अपेरेंटली एक एवरेज यूज़र आज अगर हेडफोन खरीदने जाएगा और 1500 उसका बजट होएगा, तो टाइप सी के हेडफोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं, खास करके ओवर द ईयर ऑन द ईयर हेडफोन्स। छोटे मोटे हेडफोन्स जो है, जो ईयरफोन्स वाले होते हैं नेकबैंड वगैरह, वो तो आपको टाइप सी के अंदर मिल जाएंगे, बट ओवर ईयर ऑन द ईयर हेडफोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। ये जो है वो ओवर ईयर हेडफोन नहीं है जो पूरे पूरे कान के ऊपर आता है, ये ऑन ईयर हेडफोन है जो कि कान के ऊपर आता है, तो कभी कभार जो है वो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकता है कुछ लोगों को। हालांकि ओवरऑल सही ही है, बोट जो है वो ज़्यादातर ऑन ईयर हेडफोन्स ही जो है वो अच्छे बनाता है। तो अब आप बनाते हैं हेडफोन के ऊपर, और जैसे ही आप हेडफोन को हाथ में लेते हो तो आपको जो है वो एक फीलिंग आती है कि मैंने जो है थोड़े से पैसे वेस्ट कर दिया, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे आई ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं पहन के आपको दिखाऊँ तो मैं कूल डूडी लगूंगा, हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जो इसकी जो हाथ में लेते हो आप, तो फिर आपको लगता है कि एक प्लास्टिक वाली फील आती है, प्रीमियम फील जो है आपको नहीं आती कहीं से लगे कहीं तक, जो कि मुझे लगता है कि आनी चाहिए। मतलब इसका जो ओरिजिनल प्राइस टैग है 4000 रुपये का, उसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो 4000 वाली होनी चाहिए थी, बट अपेरेंटली ये 1500 में मिल रहा है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी 1500 के हिसाब से ही हो गई। हालांकि इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो मेटलिक काम जो है वो दिया है, यहाँ पे आपको मेटल की जो है ब्रांडिंग मिलती है, हालांकि मेटल की नहीं है, और इसका जो डिज़ाइन है वो एक तरीके से नेल फाइलर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों तरफ आपको जो है वो बोट का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है सेट कर सकते हो इसके साइज को अपने हिसाब से, और ऊपर की तरफ भी जो है आपको बोट ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल को यहाँ पर भी जो है ऊपर की तरफ कुशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले कुशन आपको देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल जो पहनने का कम्फर्ट है वो जो है वो आपको आएगा ही सही, बट क्योंकि ये जो है वो ऑन ईयर हेडफोन है तो आपके कान के ऊपर रेस्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपका कान जो है वो दबा रहेगा इससे, तो आपको हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है अगर आप उस टाइप के बंदे हो। मुझे जो है जरा सी प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। साथ ही साथ सब कुछ जो है आपको राइट साइड की तरफ ही देखने को मिलता है, आपका हेडफोन, आपका चार्जिंग पोर्ट और साथ ही साथ सारे के सारे बटन्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बटन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये 3 बटन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से प्लेस्ड हैं, टू बी ऑनेस्ट अंदर से घुसे हुए टाइप के हैं, आपको मतलब ऐसा आप हाथ भी घुमा दोगे तो भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा कि यहाँ पे बटन्स हैं भी सही या फिर नहीं है, और आप कई बार जो है वो गलत बटन भी दबा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी प्लेसमेंट है, आपको टू बी ऑनेस्ट आदत बिठानी पड़ेगी तभी जाके जो है वो बैठेगी, वरना आप कभी भी इनके इसके बटन्स को जो है वो फिगर आउट नहीं कर पाओगे, भाई मैं तो नहीं कर पाया। ओवरऑल जब आप बीच वाला बटन जो है वो दबा के रखते हो तो फिर ये जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, पावर ऑन बोलता है और यू हैव प्लग्ड इनटू निर्वाना, और एक बार जब आप इसे कनेक्ट कर लोगे अपने डिवाइस को तो फिर ये जो है बोलता है यू आर नॉट कनेक्टेड टू बोट रॉकर्स 450, और जब भी आप इस वाले डिवाइस को बंद करोगे तो ये आदियोस अमीगो बोलता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, और जब भी आप इसको वापस से ऑन करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने पहले से कनेक्ट कर रखा होगा तो। तो मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो है वो ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। तो बात करूँ मैं ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलती है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्वाना वाली साउंड्स जो है
देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल एवरेज क्वालिटी जो है म्यूजिक की देखने को मिलती है। हाई मिड्स और लोज जो है आपको सुनाई दे जाएंगे, बट अपेरेंटली इसका जो बेस है वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो अगर आप बेस लवर और बेस के लिए इस वाले हेडफोन को खरीद रहे हो तो मत खरीदो, इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास बेस जो है वो नहीं है, बिल्कुल एवरेज बेस है, बिल्कुल उस बंदे के लिए जिसको हाँ ठीक है म्यूजिक वगैरह जो है सुनना अच्छा लगता है, बाकी कॉलेज वगैरह के लिए ले रहा है, अपने असाइनमेंट्स वगैरह के लिए ले रहा है और कूल डूड देखने के लिए ले रहा है, तो वो जो है इस बंदे को जो है उसके लिए हेडफोन जो है वो सही होता है। बट हालांकि अगर आप एक ऑडियो फाइल हो, आपको म्यूजिक वगैरह जो है वो बेस वगैरह में सुनना पसंद होता है, आपको अपेरेंटली सारे सारे कंपोनेंट्स वगैरह सुनने में मजा आता है, तो आप जो है इस वाले हेडफोन को मत लेना। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वो वाले बंदे हो गए तो फिर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी की नीड्स को जो है वो फुलफिल करने के लिए थोड़े से महंगे हेडफोन्स ही लोगे। और साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी इतनी ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं, जैसे कि मैंने बोला सब कुछ जो है वो प्लास्टिक मटेरियल का है। तो अक्सर मैंने अमेजोन वगैरह पर काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे हैं कि हल्का सा मतलब ऐसे करके उतारने में ही लोगों का जो है हेडफोन टूट रहा है, और कहीं से इधर से टूट जाता है, कोई इधर से टूट जाता है, कहीं इधर से टूट जाता है। तो अपेरेंटली काफ़ी अजीब सा हेडफोन है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी फोल्डिंग पार्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली चीज़ जो है वो ऐसे भी फोल्ड हो जाती है और ये वाली चीज़ जो है वो ऐसे भी फोल्ड हो जाती है। तो अपेरेंटली काफ़ी द फोल्ड करके आप जो है इसको ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हो, बट ओवरऑल फोल्डिंग के अंदर भी मैं फुल कॉन्फिडेंस इसको जो है फोल्ड नहीं कर सकता। मुझे कभी कभार डाउट हो जाता है कहीं मैं इसको तोड़ ना दूँ, या फिर कहीं मैं इसको उल्टा फोल्ड करके इसका जो है कोई मैकेनिज्म वगैरह खराब ना कर दूँ, तोड़ ना दूँ, तो वो वाला डर जो है वो बना रहता है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी चीप सी है। इसके अंदर डुअल पेनिंग हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि अगर आप दो स्मार्टफोन जो है वो कैरी करके चलते हो तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन से ये वाला हेडफोन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस पर कॉल वगैरह जो है अटेंड करते हो तो सामने वाले को भी आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली आ जाती है। अगर आप थोड़े से सिक्लूडेड माहौल के अंदर बैठे हो, अगर आप मार्केट वगैरह में घूम रहे हो तो आसपास की आवाज़ें जो है वो उसको थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी। और मैं बात करूँ इसके नॉइस कैंसिलेशन की, तो जब आप उसको कान पर लगाते हो तब नॉइस कैंसिलेशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, हालांकि जब आप म्यूजिक वगैरह सुनोगे इसके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर तो आपको आसपास की आवाज़ें जो है वो थोड़ी सी कम ही आएंगी। और मैं बात करूँ इस वाले हेडफोन की बैटरी लाइफ की, तो फिर ये जो है वो 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है वो चार्ज हो जाता है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ इसके अंदर आपको जो है वो 5 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाएगा, और अपेरेंटली अगर बैटरी बैकअप जो है आपकी वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, तो आप ज़्यादा वॉल्यूम में सुनते हो तो कम बैटरी बैकअप मिलेगा, आप तेज़ वॉल्यूम में सुनते हो तो ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया। तो यही था मेरा रिव्यू बोट रॉकर्स 450 पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, भाइयों लाइक करने वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।